दो जो है आपका इंडिया गठबंधन का बेबी देवी और एनडीए के से यशोदा देवी, तो क्या माहौल है जामतारा का? जामतारा में यहाँ दो भाग में है, इंडिया भी है एनडीए भी है, दोनों पक्ष में है। यहाँ कोई एक के में नहीं। इस बार यशोदा देवी पूरा फुल मोहम्मद से जीतेगी। अच्छा, फुल मोहम्मद से? फुल मोहम्मद से। क्या आपको कैसे लग रहा है कि फुल मोहम्मद से जीतेगा? उसी का पूरा लहर है, लहर पूरा उसकी है। क्या बात आपको अच्छा लग रहा है? क्या बात अच्छा लग रहा है? हर चीज में अच्छा है। तो जाएगा यशोदा देवी का? यशोदा देवी का जाएगा। हाँ, क्या आपको अच्छा लग रहा है यशोदा देवी में? कभी मत जीती नहीं है ने। अच्छा, लोकल नेत्री है, लोकल अभी प्लस लोकल है। अच्छा, उसको भी मत चांस मिलना चाहिए ने। अच्छा, चांस तो है, बताओ कन्हे जी में तो है। वो यशोदा देवी के पक्ष में सब है। यशोदा देवी के पक्ष में? कुछ ऐसा खास बात बताओ। कर खास ऐसा कोई बात ना है खास की, न तो अगर पति भी कनो एक बार भी विधायक नहीं रह चुकल है अभी, चल अब इस बार भी खड़ा भले बेचारी, वो भी सेकंड में लाइन के हार गए, चल इस बार कैसो ई वलम जीतते थे चो 8 महीने। इस वक्त हम गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के जामतारा पंचायत में हैं, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 सितंबर को आपका उपचुनाव होने वाला है, और जो क्षेत्र की जो सरगर्मी है, चुनावी जो हलचल है, वो बिल्कुल चौक चौराहों में लगातार आप देखते होंगे, कहीं ना कहीं लोग बातचीत कर रहे हैं किसको वोट दिया जाए, कौन अच्छे कैंडिडेट होंगे, किसको जिताया जाए, कौन हमारी समस्याओं को सुनेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये जो रोड है बस कुछ ही दूरी में डुमरी जो अनुमंडल है जहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया चलती है, और उसी से सटे ये पंचायत है जामतारा पंचायत। और यहाँ पे मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि आप दिखाइए, यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे छोटा सा एक दुकान है, वहाँ पे लोग बैठते हैं और आपस में बातचीत करते हैं, और हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है और क्या चल रहा है, क्या लोग चर्चा कर रहे हैं। चूँकि दुकान है तो चर्चा तो होगी, अब क्या है तो दादा सबसे पूछते हैं। तो आइए दादा, सबसे पहले जोहार और स्वागत है हमारे चैनल में। जोहार जोहार दादा। आप यहाँ दुकान है, दुकानवा के सामने आप लोग बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, किस बात का चर्चा हो रही है? चर्चा यही है, 5 सितंबर को चुनाव होने वाला है, उसमें अभी तो कल के डेट में नॉमिनेशन हुआ है, तो कैंडिडेट तो पता चल गया है कि कौन कौन कैंडिडेट आ गए हैं। हाँ, है ना जी जी। तो नाम वापसी का एक थोड़ा सा इंतजार है कि कौन कौन नाम वापस लेंगे, मगर जो मेन जो कैंडिडेट है वो तो सामने आ चुका है। वो तो सामने दो जो है आपका इंडिया गठबंधन का बेबी देवी और एनडीए के से यशोदा देवी। तो क्या माहौल है जामतारा का? जामतारा में यहाँ दो भाग में है, इंडिया भी है एनडीए भी है, दोनों पक्ष में है। यहाँ कोई एक के अथी में नहीं है। क्या लग रहा है कौन बेहतर काम किए हैं? चूंकि आप लोग जानते हैं डुमरी विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहाँ पे लगातार विधायक 4 बार से रहे हैं, 17-18 साल से रहे हैं, मंत्री भी बने हैं, क्या है उनका हाल चाल? यहाँ तो जेएमएम का ही है, जेएमएम ही है, यहाँ प्रभावशाली है जेएमएम, यहाँ बहुत कुछ किया और हमको लगता है कि करेगा आगे भी। और भी लोग हैं, उनसे हम जाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? बिहारी। हाँ। अरे भैया झारखंड में है, बिहार में नहीं है? बिहारी विश्वकर्मा। अच्छा, बिहारी विश्वकर्मा आपका नाम है? हाँ। हमको लगा यहाँ बिहारी कहाँ से आ गया। नहीं। हाँ। अच्छा, नाम हुआ आपका? हाँ। अच्छा, जामतारा पंचायत है, यहाँ का माहौल क्या है? 5 सितंबर के वोट होने वाला है। हाँ हाँ। कने जाएगा, माहौल क्या है, क्या है आप लोग का यहाँ का माहौल? हमको तो अभी मालूम नहीं है किसका वोट देंगे या नहीं, अभी पता नहीं। कहीं बाहर गए थे क्या? बाहर नहीं गए हैं। तो कैसे नहीं मालूम है? चुनाव यहाँ बगले में अनुमंडल है, चुनाव वहाँ पे नॉमिनेशन होता है और आपको पते नहीं है? हम यहाँ नहीं थे उस टाइम में। अच्छा अच्छा, इसी बाजार में थे। तो घरवा में मोबाइल में साढ़ू से परिवार से लोग बात करते हैं, बतियाते हैं, कहा है कने माहौल होगा? कने कितना माहौल होगा, किधर से होगा, हमको भी अभी तक पता नहीं है। तो कने मतलब हम बता दे रहे हैं, दो मेन यहाँ जो है जैसा पता चल रहा है लगातार कि बेबी देवी की यशोदा देवी, तो कने चल रहा है आप लोग का माहौल? मेरा माहौल चल रहा है यशोदा देवी। आपका यशोदा देवी चल रहा है, चलिए इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि भैया कने चल रहे माहौल?
माहौल यहाँ पे जामताड़ा पंचायत से दोनों पक्ष की तरफ से रहेगी। अच्छा दोनों पक्ष, हाँ, एक पक्ष में नहीं जाएगी, कांटे की टक्कर, टक्कर में जाएगी, कांटे की टक्कर। आप देख रहे हैं भैया, बता रहे हैं कि जो जामताड़ा पंचायत है, कांटे की टक्कर चलेगा दोनों का। और बताइए कुछ, और इससे ज्यादा क्या बताऊं? अच्छा, इससे ज्यादा और क्या बताएं? और यहाँ पे हैं भैया, क्या बताएंगे, माहौल क्या है? माहौल तो अच्छा है। अच्छा है, हाँ। किधर जा रहे हैं आप? इधर तो जाएगा जसोदा देवी का। जसोदा देवी का जाएगा, हाँ। क्या आपको अच्छा लग रहा है जसोदा देवी में? कभी माता जीती नहीं है ने। अच्छा, लोकल नेत्री है, लोकल, अभी प्लस लोकल है। अच्छा, उसको भी मतलब चांस मिलना चाहिए ने। अच्छा, चांस मिलना चाहिए आपका, हाँ। कहना है कि उन लोगों को हम अगर 17-18 साल दिए तो इसको भी चांस मिलना, हाँ, चाहिए। मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, हाँ। अच्छा चलिए, एक और है भैया, उनसे जाने का प्रयास करते हैं। दादा तुम्हें बताओ, कन्हे जी में तो है वो जसोदा देवी के पक्ष में सब है। जसोदा देवी के पक्ष में, कुछ ऐसा खास बात बताओ कर। खास ऐसा कोई बात ना है, खास की रहे तो अगर पति भी कनो एक बार भी विधायक नहीं रह चुकल है, अभी चल उस बार भी खड़ा भले बेचारी, वो भी सेकंड में लाइन के हार गए, चल इस बार कैसे ई वलम जीतते थे जो 8 महीना जे रहते जे। यानी अगर लगो कि बदलाव होना चाहिए, हाँ, बदलाव होना चाहिए। एक और भैया है यहाँ पे, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौतम महतो हुआ। आप भी पंचायत, इसी पंचायत से हैं? जामताड़ा पंचायत। चलिए, क्या हालचाल है आप लोग के बीच में? इस बार असोदा देवी पूरा फुल मोहम्मद से जीतेगी। अच्छा, फुल मोहम्मद से? फुल मोहम्मद से। क्या आपको कैसे लग रहा है कि फुल मोहम्मद से जीतेगा? उसी का पूरा लहर है, लहर पूरा उसकी है। क्या बात आपको अच्छा लग रहा है? क्या बात अच्छा लग रहा है? हर चीज में अच्छा है। अच्छा है, या फिर जैसे लग रहा है कि यहाँ माहौल है बदलने का? पूरा 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 दाग नहीं है, पूरा इस बार पूरा उसी का चांस है, पूरा 100%। तो ये देखिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, हम बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ चल गए? इधर आइए, थोड़ा सा हम बात करने का प्रयास करेंगे। एक दुकान है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ लोग हैं नाश्ता कर रहे हैं। शाम का समय है तो नाश्ता होना चाहिए बाबू। 18 साल भैगले तो, और इसका नहीं हुआ। आपका हो गया 18 साल? 18 साल हो गया, वोट दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। कभी दिए हैं वोट? खाने दीजिए। अच्छा चलिए, खा लीजिए, कोई बात नहीं है। 18 साल हो गया ना, तब वोटवा करने दीजिए भी, कुछ बताइएगा, खा के बताइएगा। अच्छा चलिए, खाने दीजिए। थोड़ा हम दुकानदार भैया से बात करना चाहेंगे, तो दुकानदार भैया इधर आइए थोड़ा सा। क्या माहौल है, अभी पंचायत के हैं, क्या हाल चाल है? वो सब माहौल हम नहीं देखते हैं, अपना दुकान देख रहे हैं। पार्टी, अरे आप अपना माहौल देख रहे हैं ना? पार्टी उटी से को पेट भरने वाला है, पार्टी आज वोट मांगेगा, आएगा फिर चला जाएगा। आपका दुकान तो चलना चाहिए, रोजी रोटी चलना चाहिए। अपना रोजी से मतलब रखते हैं हम, ज्यादा वोट उठ से मतलब, कोई नेता कोई कुछ नहीं कर देगा। अच्छा एक चीज और से पूछना चाहते हैं कि आपका दुकान में लोग तो बहुत आते हैं जाते हैं, तो चर्चा तो होती होगी? वो सब पार्टी होगा, सब पार्टी का होगा। ऐसा दुकान हो तो सब आएगा, ऐसा थोड़ी कि एक ही आदमी आता है दुकान चलेगा, सब पार्टी आएगा, सब पार्टी आता है। हम पार्टी करेंगे, एक पार्टी तो दूसरा पार्टी वाला नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, हम पार्टी का हल करेंगे, हमको जो समझ में आएगा मतदान दिन हम करेंगे मतदान। चलिए, भैया का कहना है कि यहाँ सभी लोग आते हैं, सभी लोग का अपना अपना मत होता है, पर हम चूंकि दुकान चलाते हैं, सभी से हमारा लगाव रहता है, तो हम किसी विशेष को ज़्यादा नहीं करते हैं। आप देख रहे थे यहाँ का माहौल, चूंकि सामने है यहाँ पे डुमरी अनुमंडल और ये उसी से सटा हुआ जामताड़ा पंचायत है। यहाँ का जो ग्राउंड रिपोर्टिंग था, क्या माहौल था आपने देखा अच्छा से। फिर चलेंगे कहीं दूसरे पंचायत में और आपको वहाँ का माहौल पूरा ज़मीनी से आपको दिखाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और आपके पंचायत में हम पहुँचे हैं, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।